मुद्दा केजरीवाल है, केजरीवाल जी को खत्म करो। उन्हें लग रहा है कि आने वाला चुनाव भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी बीते साल अगस्त के महीने से ही हर मंच पर यही कहती हुई नजर आ रही है कि अब देश की राजनीति में पीएम मोदी के खिलाफ कोई मजबूत चेहरा है तो वो है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का। आम आदमी पार्टी का कहना है कि काफी वक्त से ये बड़ा सवाल था कि मोदी वर्सेस हु, लेकिन अब देश की जनता को इसका जवाब मिल गया है। अब साल 2024 में होने वाले चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल के नाम पर होंगे। लेकिन क्या वाकई आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा पाएंगे? इसका जवाब जानने के लिए हाल ही में इंडिया टुडे और सी वोटर ने मूड ऑफ द नेशन जानने के लिए एक सर्वे किया, जिसमें दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर जनता की राय सामने आई है। इस सर्वे में आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी है। सर्वे में लोगों से जब ये पूछा गया कि विपक्ष का बेहतर नेता कौन है, तो सबसे ज्यादा लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। 24% लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, 20% ने ममता बनर्जी का नाम लिया। राहुल गांधी को 13% लोगों ने विपक्ष के नेता के तौर पर चुना, तो वहीं 5% लोगों ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के पक्ष में वोट डाला। वहीं बेहतर विपक्षी नेता के तौर पर भले ही अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा वोट मिले, लेकिन सर्वे में जब ये सवाल पूछा गया कि लोग किसे अगला पीएम बनता देख रहे हैं, तो दिल्ली के सीएम तीसरे नंबर पर रहे। सर्वे में 52% लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर पीएम बन सकते हैं। 14% ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। वहीं 5% लोगों ने ही अरविंद केजरीवाल को पीएम के चेहरे के तौर पर चुना। साथ ही बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के लिए भी 3% लोगों ने पीएम बनने की संभावना जताई। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियों के घोड़े खोल दिए हैं, और इसी कड़ी में जब से आम आदमी पार्टी को दिल्ली और पंजाब में सत्ता के बाद गुजरात विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत के साथ राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, तभी से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल देश भर में आम आदमी पार्टी की पैठ बनाने में लगे हुए हैं। इसी के साथ इंडिया टुडे और सी वोटर्स के सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि अगर आज देश में लोकसभा के चुनाव हो तो किसकी सरकार बनेगी। इस सवाल के जवाब में बहुमत एनडीए की सरकार के पक्ष में आया है। यहाँ एक बात समझने की है कि भले ही सर्वे में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है, लेकिन ये उसके लिए अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि भले ही अभी एनडीए बहुमत में नजर आ रही है, लेकिन अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो बनती हुई सरकार बीजेपी के हाथ से फिसल सकती है। लेकिन सभी समीकरणों के बीच ये सवाल भी बहुत अहम है कि क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जो दावे साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कर रही है, उसमें उन्हें कितनी कामयाबी मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।